आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कर्क राशि को क्या सेहत समस्याएं हो सकती हैं और उनका उपाय क्या है, समाधान क्या है। देखिए, हर इंसान की अपनी एक राशि और प्रकार होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। अपने और परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना प्रत्येक मनुष्य की होती है। वो चाहता है कि वह और उसका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, उसे कोई बीमारी नहीं हो। लेकिन सिर्फ सोचने से या चाहने से तो ऐसा होता नहीं है। आपको शायद ये पता हो कि न केवल मनोभाव एवं अध्यात्म के स्तर पर बल्कि आपके स्वास्थ्य के स्तर पर भी आप अपनी राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर आदमी चाहता है कि उसका परिवार स्वस्थ रहे, पर अचानक कोई बीमारी आकर मनुष्य को घेर लेती है और फिर शुरू होता है धन की हानि। क्योंकि एक बीमारी शुरू हो गई तो न सिर्फ मानसिक परेशानी होती है बल्कि आर्थिक स्थिति भी कभी कभी डगमगा जाती है। लेकिन इसका समाधान और मार्गदर्शन ज्योतिष शास्त्र में है। ज्योतिष के अनुसार हर राशि का शरीर के कुछ विशेष अंगों पर अधिकार होता है और जब शरीर के वे अंग बीमार या समस्याग्रस्त होते हैं तब उन अंगों से संबंधित राशि की ऊर्जा उन्हें स्वस्थ करने में कारगर साबित होती है। तो ऐसे में सेहत से जुड़ी समस्याओं का सही समाधान चाहते हैं तो अपनी राशि के अनुसार चिकित्सा करना विशेष रूप से फायदेमंद होता है। तो हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की। अब कर्क राशि का स्थान मनुष्य के पेट वाले भाग में माना जाता है, इसलिए इन्हें पेट संबंधी रोग होने की आशंका रहती है। कर्क राशि के जातकों का पाचन तंत्र थोड़ा सा कमजोर होता है, इसलिए अधिक चीजें या फालतू चीजें नहीं खा पाते हैं। ये 90% कर्क राशि के साथ होता है, हालांकि लग्न वगैरह भी काउंट करना पड़ता है। इस राशि के लोग वक्ष, सीना, हृदय, पेट और पाचन तंत्र से जुड़े रोग होने की आशंका रहती है। सेहत के लिहाज से कर्क राशि का स्वामित्व सीने, वक्षस्थल और हृदय पर ही होता है। इस राशि के लोगों में अपने मनोभावों को सच्चाई के साथ बयां करने का समर्थ होता है। कर्क राशि वाले जो हैं, जो भी रहेगा ये झूठ नहीं बोल पाते हैं ज्यादा। अगर ये झूठ बोले तो ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि इनका जो स्वामित्व है वो तो यहां से है, हृदय से है, तो झूठ नहीं बोलेंगे। इस तरह के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा खुशी खुशी तैयार होते हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। इसके अलावा कर्क राशि के लोगों को कैंसर, चेचक, ड्रॉपसी और मानसिक रोग हो सकते हैं। इस राशि के जो लोग होते हैं उनको सबसे अधिक ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि ये कोई व्यसन नहीं करें, अन्यथा गंभीर बीमारी हो सकती है। अब व्यसन से तात्पर्य है कि देखिए, आप कभी कभी शराब पी लीजिए, ये आपको नुकसान नहीं करेगा, पर यदि आपने इसको आदत बना दिया, लत बना दिया, तो फिर ये आपके लिए काफी नुकसानदायक होगा। कोई भी चीज, चाहे वो सिगरेट हो, पान हो, बीड़ी हो, अल्कोहल हो, लत बहुत तरह की चीजें होती हैं, तो उसे आप लत मत बनाइए। अब हम आते हैं समाधान पे। देखिए, इन लोगों में ऊर्जा का असंतुलन होने पर मनोभावों का अनियंत्रित होना, अति संवेदनशीलता, अकेलापन पसंद करना, श्वसन संबंधी समस्याएं, कफ आदि समस्याएं होती है। तो ऐसा होने पर आपके लिए खुली हवा में प्राणायाम और हल्का फुल्का व्यायाम करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा लोगों के साथ घुलना मिलना, बातचीत करना, खुद से प्यार करना भी आपको सीखना होगा। आपको अकेले नहीं जीना है, आप हंसी खुशी जियो, आपको ज्यादा खुशियां मिलेगी, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, हकीकत यही है। कर्क राशि के जातक भी वृषभ राशि वालों की तरह ही काली मिर्च, सौंठ,
दालचीनी का चूर्ण बना ले और प्रतिदिन रात के भोजन के बाद उसका अवश्य सेवन करें। कर्क राशि के जातक सफेद रंग की बोतल में पानी को धूप में रखें। कर्क राशि देखिए वो चंद्रमा से रिलेटेड है, तो आपको सफेद रंग की बोतल को धूप में रखना है और फिर उस पानी को रोजाना आपको नियम से सेवन करना है। तो ये मैंने आपको कर्क राशि से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में बताया, और बताने का मेन मकसद ये है कि अगर आपको पहले से पता हो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ होने वाली है तो उस चीज़ का जो समाधान है आप उसको एडवांस में कर सकते हैं। देखिए होनी कोई टाल नहीं सकता है, होना तो वही है जो विधाता चाहेगा। विधाता के यहाँ जाकर आप ये फिर नहीं कह सकते हो, विधाता को ये नहीं कहना पड़े कि बॉस तुमने तो अपना कर्म किया नहीं। तो जब आपको पता है तो कर्म करना तो आपको पड़ेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।